देख सकते हैं पार्सल रिसीव हो चुका है हमारा, और इसमें हमने मंगाया है इलेक्ट्रिक स्टिचिंग मशीन जो होम बेस है, घर पे जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं भी पहली बार मंगाया हूँ और मुझे भी नहीं पता कि क्या आया होगा। बहुत छोटा सा बॉक्स है, मुझे तो लगा बड़ा सा बॉक्स आएगा लेकिन बॉक्स छोटा है। देखते हैं क्या है इसमें, कि स्टिचिंग मशीन जैसा उम्मीद किया था वैसा ही है या कुछ और ही आ गया। चलिए हम लोग ओपन करते हैं पहले इसको। ये हमने ओपन किया और अंदर एक वाइट सा बॉक्स दिख रहा है। बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कुछ और भी है। ये एक और बॉक्स है, देख सकते हैं ये बॉक्स है और इसके अंदर अभी हम ओपन करते हैं। पहले ये वाला छोटा मिस्टीरियस बॉक्स ओपन करते हैं। इसमें क्या है भाई, इसमें तो समझ में आएगा मशीन है, यूनिट है। इसमें क्या दिया है, इसमें तो एक काला काला सा कुछ तो है, ये भी हटाओ। ये तो डब्बा जैसा लग रहा है, पाउच है। ठीक है, अच्छा पाउच है। इसमें दिया क्या है भैया, अच्छा इसमें जो है 2, 4, 6, 12 एक दर्जन जो है धागा दिया है अलग अलग कलर का। और ये क्या है पता नहीं भाई, इससे क्या होता है। ये बटन भी दिया हुआ है कुछ इसमें। उसके बाद ये क्या है भैया, ये भी समझ से बाहर है क्या है। चलो कोई बात नहीं, सेट रखो भैया। ये एक जो है टेप भी दिया है, बटन दिखा ही दिया। एक स्टेप का ये वाला बटन है, बटन है कि क्या है पता नहीं, जो भी हो बाद में देखेंगे। और एक ये है, ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या है। और ये तो मुझे लगता है इसमें धागा लगाया जाता है ना, वो चीज़ है, सेफ्टी पिन बोलते हैं इसको शायद, मुझे भी नहीं पता। और ये तो क्लॉथ पिन बोल सकते हैं इसको। इसमें नीडल्स है, सुई है, ठीक है। और ये रहा एक चाकू, और ये क्या है भाई, ये भी कुछ है लेकिन मेरे समझ से बाहर है। दर्जी भाई लोग भी बता सकते हैं। ये एक कैंची है लेकिन बहुत ही छोटा है, लेकिन कपड़ा कट जाएगा। और ये कपड़े के ऊपर मार्क करने के लिए एक पेंसिल दे रखा है, और ये एक ट्वीज़र। तो इतना सब सामान जो है इसमें भी है। एक और चीज़ है कुछ तो यहाँ पे है, निकल जा भाई क्या है। ये भी समस्या बाहर क्या है, देखिए किसी को जैसे कुछ पता हो कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या, इसको तो पता है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, अगर किसी को पता है और इसको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें तो पता नहीं है ये क्या है, हम तो बाद में इसको सीखते सीखते सीख पाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको फटाफट इस बॉक्स के अंदर डालता हूँ और आगे की चीज़ें दिखाता हूँ। इसको सेट करते हैं। अब आते हैं मेन यूनिट पे। हमें उम्मीद था मेन यूनिट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन उतना बड़ा तो नहीं दिख रहा है। इसमें से पहले वही चीज़ निकला जो चीज़ उसमें था, देखिए धागा, धागा वाला 1, 2, 4 जो है धागा का सेट है। और ये मुझे लगता है नीडिल है इसका यूनिट का, और ये धागा होगा शायद पास करने के लिए कुछ होगा, भगवान जाने। भगवान क्या, जिसने बनाया वो जाने और जो यूज़ करता है वो जाने, ठीक है। अभी हम लोग मेन यूनिट खोलते हैं, इसको भी रखते हैं साइड। ये देख सकते हैं अच्छी पैकिंग है यूनिट की, जो मैंने ओपन किया साइड करते हैं। और ये है इसका चार्जर, ठीक है। और चार्जर जो है इनपुट 100 से 240 वोल्ट का है, और आउटपुट जो है 6 वोल्ट निकलता है इससे, 1 एम्पियर, ठीक है। मेड इन इंडिया, देखिए इस पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, इंडिया मेड है ये, चाइनीज चीज नहीं है। और इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए, और कुछ है भाई इसमें तो। ये तो है मैनुअल, देख सकते हैं ये मैनुअल है,
ठीक है, इसमें हर चीज़ जो है डायरेक्शन दिया हुआ है, इसको पढ़ा जाएगा। ये एक और चीज़ निकला है, इसको भी देखते हैं क्या है। ये भी एक एडोप्टर जैसा ही लग रहा है मुझे भी, ये भी अच्छा, ये तो ऐसा पुश हो रहा है, क्या है भाई बताना, अगर किसी को पता है तो बताना ज़रा कि इसको क्या बोलते हैं। पुशर है, इसमें ऐसा स्प्रिंग जैसा पुश हो रहा है। अब हम मेन यूनिट ओपन करते हैं, यहाँ टेप लगी है, ये ओपन हो गया और इसमें इन्होंने डेमो जो है एक क्लॉथ जो है लगा के दे रखा है। और ये इसका निडिल सेक्शन है जहाँ पे ये चलेगा, और इसमें देख सकते हैं, पता नहीं दिख रहा है आपको कि नहीं, एक धागा का सेक्शन है जो नीचे से धागा उठाएगी और जो ऊपर से धागा लॉक करती है वो यहाँ है, और जो नीचे से लॉक करेगी वो यहाँ है। तो आई थिंक यहाँ से कुछ खुलने का जुगाड़ होगा ऐसा, ये देखो ठीक है खुल गया ना, तो ये खुलने का जुगाड़ है इसमें से, तो यहाँ से हम खोल सकते हैं इसको ऐसे भर के। आप ये देख सकते हैं ये कुछ बटन जैसा दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ऑन ऑफ, और ये पता नहीं क्या है। अच्छा ये लाइट का, इसमें लाइट भी है भाई इसमें, ये देखिए यहाँ पे लाइट है ठीक है ना, यहाँ पे लाइट भी है, तो ये लाइट का है। और ये जो है हाई लो लिखा हुआ है, एच और एल लिखा है, तो ये कम ज़्यादा करने वाला स्पीड का होगा। और यहाँ पर भी एक कुछ तो है ये, हाँ घूम, अच्छा अच्छा ये अच्छा, ये मैनुअली भी चलने वाला है, तो यहाँ से हम मैनुअली भी इसको चला सकते हैं। मशीन और जो है ये क्या है, अच्छा ये तो ऊपर नीचे ही हो रहा है ठीक है। और हाँ अब यहाँ देखिए नीचे में भी कुछ है इसका, अच्छा यहाँ बैटरी भी लगती है, बैटरी ऑपरेटेड भी है, आप बैटरी से भी चला सकते हैं। चार बैटरी लगेगी इसमें 1.5 वोल्ट की डबल ए, ठीक है ना, डबल ए साइज जो है ना, चार बैटरी लगती है। और जैसे कि हमने बताया था इनपुट जो है 6 वोल्ट है, 100 एम्पियर है ठीक है ना, और मेड इन इंडिया है ये ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है, क्वालिटी चेक्ड है। अब इसको जो है ऑपरेट करके देखेंगे कि ये कैसा काम करता है, नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे ये चलता कैसे है, क्या ये सही है या नहीं, क्योंकि हमें भी आइडिया नहीं है। अगर ठीक काम किया तो ओके, अदरवाइज़ हम इसको रिटर्न कर देंगे।